डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। पहली बात, इसका क्वेश्चन आता नहीं है अभी। हाँ ठीक है, टॉपिक में दे रखा है, अलग से स्पेसिफाई कर रखा है इसको पहली बार, क्या पता ये आ जाए अब की बार। ठीक है, आज तक तो ये आया नहीं। ठीक है, क्यों आता है, क्यों नहीं है ये, क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा पेज खा जाता है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है इसका, ये देखो। हाँ आई का नहीं समझ में, उसका पूरा पूरा क्या होता है, स्टेटमेंट दिया होता है, उसको रीड करना होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने क्या देने होते हैं, आंसर देने होते हैं। आई का नहीं समझ में, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ तुम लोगों को, मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, एक लिखा रहा हूँ, लिखो। अरे इतना बड़ा नहीं लिखाऊंगा, पहले लिख तो लो। जैसे आप लोग कभी कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाने गए होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वहाँ, एक ट्वेल्थ की मार्कशीट चाहिए या नहीं चाहिए, और तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, एक टीसी चाहिए या नहीं चाहिए, और कई की कॉलेज में ये भी होता है कि तुम्हारे ट्वेल्थ के अंदर 60% से या तो नंबर ज़्यादा होने चाहिए, होता है कि नहीं होता। या आप लोग जब भी एग्जाम का फॉर्म भरते हो, जैसे अभी SSGD के हैं या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, किसी का फॉर्म भरा होगा, तो उसके अंदर वो आता नहीं है क्या रिक्वायरमेंट, क्या कि आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, 10th आपकी पास होनी चाहिए, 12th आपकी पास होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी हाइट 7 फुट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आता कि नहीं आता, ये सारा का सारा क्या आता है तुम्हारा, ये किसके अंदर आते हैं तुम्हारे, डिसीजन मेकिंग के अंदर आते हैं। अगर आप लोग इन पूरे पूरे क्राइटेरिया को फिल करते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन एग्जाम के बाद होगा, हाँ या ना। अगर कॉलेज में एडमिशन देने जाते हो, अगर आपको मान लो कि 12th की मार्कशीट नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, आपको ऑप्शन देता कि नहीं देता, भी थे कि के करो बिंगी डुप्लीकेट निकलवा के लिए, आते हैं कि नहीं आते। ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, डिसीजन मेकिंग के। आई कहा नहीं समझ में, लिखो पहला क्वेश्चन, इसका लिखना है सबको। ठीक, तमिलनाडु का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तमिलनाडु के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, लिख लिया होगा सबने, क्या है, तमिलनाडु में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। पहली शर्त लिखो, उम्मीदवार कम से कम 60% अंक, 60% इन HSC एग्जाम है कोई, HSC का HSC लिख लिया यहां तक, दोबारा से बोल रहा हूं, उम्मीदवार कम से कम 60% इन HSC या 50% इन CBSE बोर्ड में होने चाहिए। पढ़ो इस शर्त को आराम से, क्या है ये? पहली शर्त ये है कि उम्मीदवार के कम कितने परसेंट अंक होने चाहिए, 60 किसमें, HSC में, या 50% होने चाहिए कौन से बोर्ड में, CBSE। पहली कंडीशन समझ आई, दूसरी लिखो, सेकंड की ए, दूसरी लिखनी है ऐसे, सेकंड और सेकंड में ए लिखो, HSC में पास हो और पासिंग सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ हो, लिख लिया। दूसरा बी, इसमें किसी भी
किसी भी वोकेशनल सब्जेक्ट, किसी भी वोकेशनल सब्जेक्ट, किसी भी वोकेशनल सब्जेक्ट में पास वोकेशनल सब्जेक्ट में पास। वोकेशनल सब्जेक्ट क्या है? पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लिख लो वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, लिख लिया। या इंजीनियर से रिलेटेड, या इंजीनियर से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, या इंजीनियर से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, लिख लिया। थर्ड कंडीशन, उम्मीदवार की इलेवेंथ व ट्वेल्थ तमिलनाडु से पास हो। उम्मीदवार की इलेवेंथ व ट्वेल्थ तमिलनाडु से पास हो, लिख लिया। फोर्थ, एंट्रेंस एग्जाम में दिया नहीं क्या कॉलेज का कभी? बीएसटी से तो दिया होगा। एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 60% छूट हो, नहीं 60% अंक हो। एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 60% अंक हो। ये चौथा था, एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 60% अंक, लिख लिया यहां तक। अब हाँ, पीपीटी भी तो करवाऊंगा, पहले ये तो समझो, समझाने वाली चीज तो समझो। पीपीटी भी करवाऊंगा, तुम ही करोगे वो, मैं नहीं करूंगा, ठीक है? लिखो आगे, छूट। हाँ, पहली छूट है, ऐसे लिखना है छूट। अगर पहली कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई नहीं, पहली कंडीशन क्या है पढ़ो, यही है ना, लिखो पहली कंडीशन। अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं है, अगर पहली शर्त मान्य नहीं है, हिंदी में ये है, ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं है, अगर उम्मीदवार स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन मिल जाएगा। समझ आया क्या? आ गया ना समझ? हाँ। दूसरा, अगर क्या है, तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं है, ये पहली थी, अगर पहली फुलफिल नहीं है तो क्या उम्मीदवार किस में अच्छा होना चाहिए? स्पोर्ट्स में, तो उसको किस में एडमिशन मिल जाएगा? स्पोर्ट्स कोटे में मिल जाएगा। अब अगर क्या है, तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो लिखो इसमें आगे, अगर तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो क्या है, कहां से पास आउट होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है? लिखो, अगर तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उम्मीदवार के पूर्वज माता पिता, दादा दादी, उसके पूर्वज पिछले 5 साल से
पिछले 5 साल से तमिलनाडु में, पिछले 5 साल से तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, काम कर रहे हो, पिछले 5 सालों में तमिलनाडु में काम कर रहे हो, तो अदर स्टेट कोटा, कोटा वो वाला कोटा नहीं है अपने राजस्थान वाला, जो अदर स्टेट का कोटा होता है ना कॉलेजों में, ठीक है ना, अदर स्टेट कोटा में एडमिशन हो जाएगा। अदर स्टेट कोटा में एडमिशन हो जाएगा। ये इतना तुम्हारा है क्वेश्चन, अब इसको पढ़ो आराम से एक बार, मैं उधार लिख लेता हूं इसको। पीसीएम दूसरा क्या था, सीबीएसई में वोकेशनल सब्जेक्ट होनी चाहिए या क्या होना चाहिए उसका, इंजीनियर सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या थी। थर्ड क्या थी, 11th और 12th में कहां से पास आउट होना चाहिए, तमिलनाडु। फोर्थ क्या था, एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम कितने परसेंट, ये इसका स्मॉल रूप, ठीक है, लेकिन एग्जाम में बड़े वाला आएगा जो तुम्हें लिखा आया, ठीक है। इसकी छूट क्या थी, अगर पहली नहीं है तो और तीसरी नहीं हो तो ये मतलब उनके माता पिता को क्या होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, यही है इन तमिलनाडु। येलो ये ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा पहला, ये कुछ नहीं था, ये स्टेटमेंट थी इतनी, हाँ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लिखो। चाणक्य ना क्वेश्चन, अब है ये पढ़ लिया इतना, क्वेश्चन पहला इससे रिलेटेड, ऑप्शन सीटें दूंगा उससे पता चलेगा। क्वेश्चन पहला, चाणक्य आंध्र प्रदेश में, चाणक्य आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ, हाँ चाणक्य आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ, भाई नाटकाल चाणक्य की बात कौन कर रहा है, चाणक्य आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ, उसने सीबीएसई में 60% अंक, उसने सीबीएसई में 60% अंक प्राप्त किए, उसने इंट्रेंस एग्जाम में 50% अंक प्राप्त किए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन इसके लिखो ए, ऑप्शन इसका लिखो ए, उसे चयनित सूची में रखा जाना चाहिए, उसे चयनित सूची मतलब सिलेक्शन जो लिस्ट है ना उसमें, उसे सिलेक्शन लिस्ट में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे सिलेक्शन लिस्ट में नहीं रखा जाना चाहिए। ऑप्शन सी, उसे स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन दे दिया जाना चाहिए। उसे स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन दे दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, उपलब्ध कराया गया डाटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है। अब पढ़ो इसको आराम से,
ठंडे दिमाग से पहले खुद करो फिर मैं कराऊंगा। समझ नहीं आ रहा ना कुछ भी, अब कॉपियां करो बंद। इधर देखो देखो, चलो कितनी कंडीशन है इसमें, चार, एक दो तीन और चार। मैं यहां पर ये लिखता हूँ, एक एक के बाद फिर और चार। अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, पढ़ो मेरे साथ। चाणक्य आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ। चाणक्य कहाँ पैदा हुआ? उसने सीबीएसई में 60% अंक प्राप्त किए, मिनिमम 60% इन एचएससी या 50% सीबीएसई। तो 50% से ज्यादा अंक प्राप्त किया तो मतलब पहली कंडीशन क्या हो रही है? पूरी हो रही। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला मैं। दूसरी क्या है? उसने एंट्रेंस एग्जाम में कितने परसेंट अंक प्राप्त किया, चाहिए कितने, कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा? और 11th और 12th कहां से पास आउट होना चाहिए, है कहां से वो, तो कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा? दूसरी क्या थी? एचएससी में पास, पीसीएम, सीबीएसई प्लस वोकेशनल सब्जेक्ट इन, ये है। क्या सीबीएसई से पास आउट है क्या वो, है या नहीं है? तो दूसरी कंडीशन क्या हो रही है? फुलफिल। तो मेरे को ये बताओ, क्या उसका सिलेक्शन होना चाहिए? क्या सिलेक्शन कब हो सकता है किसी चीज का? जब चारों की चारों कंडीशन क्या हो, तो इसका एडमिशन कहानी खत्म। मैं बताऊं मुश्किल है आसान, सबसे आसान है, सबसे आसान। दोबारा से समझा रहा हूं, देखो क्या, देखो आ जाओ, कितनी कंडीशन है, चार। इन चार के अकॉर्डिंग एडमिशन हो सकता है, हाँ या ना? अगर इन चारों कंडीशनों को फुलफिल करेगा तो एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो। ठीक है, मैंने चारों कंडीशन लिख दी, एक फिर और फिर यही है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? मिनिमम 60% इन एचएससी या 50% होनी चाहिए सीबीएसई। उसके सीबीएसई में कितने परसेंट है? 60। तो मतलब पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन पढ़ता हूँ क्या? एचएससी में पास होना चाहिए पीसीएम के साथ, हाँ या ना? ये है नहीं। दूसरा पढ़ता हूँ इसका, सीबीएसई प्लस वोकेशनल सब्जेक्ट या इंजीनियर सब्जेक्ट, क्या वो सीबीएसई से पास आउट है क्या, है या नहीं है? हाँ, अगर सीबीएसई से पास आउट है तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल। तीसरा मैं पढ़ता हूँ क्या, 11th और 12th कहाँ से पास आउट होना चाहिए? क्या कहीं पर भी दे रखा गया 11th और 12th? नहीं दे रखा है, वो कहाँ से? तो इस वजह से ये दूसरी वाली कंडीशन क्या होगी, तीसरी क्या हो गया, गलत। चौथा मैं पढ़ता हूँ, इंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम कितना होना चाहिए, उसके है कितने, क्या हो जाएगा क्या एडमिशन, ये भी गलत। तो हम, मेरे को बताओ, दो फुलफिल कर रहा है, दो नहीं कर रहा, तो क्या एडमिशन हो जाना चाहिए क्या? नहीं, एडमिशन उसका चयनित वो नहीं होगा। ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन बी, ये है इसका आंसर। आई बात समझ में? ये ऐसे करो, ऐसे उतारो, है सरदार समझ में? रवीना तमिलनाडु से नहीं है, रवीना क्वेश्चन नंबर दो है, हाँ पूरा स्टेटमेंट ये, हाँ
टॉपिक समझ आना चाहिए आप लोगों को, शीट आज मिले कल मिले परसों मिले क्या फर्क पड़ता है, बस पढ़ाई हुई चीजें समझ आनी चाहिए। रवीना तमिलनाडु से नहीं है, स्टूडेंट की समस्या हमेशा रहती है, उसके बाद 10 बुक रहती है, मार्केट में कोई नई बुक आ जाए वो नहीं रहती ना उसके पास, तो उसका ध्यान वहीं जाता है। यहाँ को 10 बुक है बे पढ़ लू है, मेरे को ध्यान बिंगन बिंगन जाओ का बा अमेरिकन होनी चाहिए, है ना। रवीना तमिलनाडु से नहीं है, रवीना तमिलनाडु से नहीं है, परंतु उसके पापा 10 साल से तमिलनाडु में सर्वेंट है, परंतु उसके पापा तमिलनाडु में सर्वेंट है। सर्वेंट का मतलब कार्यकारी है कहीं पर, ठीक है। और उसके पास 60% अंक, और उसके पास 60% अंक HSC में है, और इंट्रेंस एग्जाम में 62% अंक है, इंट्रेंस एग्जाम में 62% अंक है, तो बताओ पहले करो आराम से इतना आसान नहीं, तो बताओ ऑप्शन ए उसे चयनित सूची में रखा जाना चाहिए, ऑप्शन ए उसे चयनित सूची में रखा जाना चाहिए, उसे चयनित सूची में रखा जाना चाहिए, ऑप्शन बी उसे चयनित सूची में नहीं रखा जाना चाहिए, उसे चयनित सूची में नहीं रखाना चाहिए, ऑप्शन सी ऑप्शन सी करवाया था, क्या लिखवाया था पीछे वाले, हाँ उसे स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन देना चाहिए, उसे स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन देना चाहिए, ऑप्शन डी उपलब्ध करवाया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, और आराम से करना, ठंडे दिमाग से करना। हाँ मेरे को मान लो विनोद तमिलनाडु से 12th पास है, विनोद तमिलनाडु से 12th पास है, और HSC में 62% अंक है, और HSC में 62% अंक है, और इंट्रेंस एग्जाम में 62% है, और इंट्रेंस एग्जाम में 62% है, ऑप्शन लिखो, और इंट्रेंस एग्जाम में 62% है, ऑप्शन लिखो, उसे चयनित सूची में रखा जाना चाहिए, उसे चयनित सूची में रखा जाना चाहिए, ऑप्शन बी उसे चयनित सूची में नहीं रखा जाना चाहिए, उसे चयनित सूची में नहीं रखा जाना चाहिए, ऑप्शन सी उसका एडमिशन उसका एडमिशन अदर स्टेट कोटा में होना चाहिए,
उसका एडमिशन अदर स्टेट कोटा में होना चाहिए। ऑप्शन ई डी है क्या? ऑप्शन डी उपलब्ध कराया गया डाटा, उपलब्ध कराया गया डाटा निर्णय लेने के लिए, उपलब्ध कराया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब करो आराम से। पढ़ाई बाद में धन सार स्पष्ट ही दिखे। क्या लड़को आंसर करो आराम से।